तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, फिर भी आस लगी है दिल में तुम आओगे मुझसे मिलने, इस साउंड पे इस वीडियो को अपलोड किया गया है। इस वीडियो पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, और इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट करना होगा कुछ इस तरह के, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया हूँ। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर, तो वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा वीडियो को एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9x16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, आपने ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, मीडिया पे आना है, और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेंस्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो को अगेंस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, मेरा वीडियो जो है लॉन्ग साइड शूट किया गया है, सबसे पहले इसे हम रोटेट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रोटेट करके देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वीडियो को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद डन करते हैं। डन करने के बाद आपको देखना है वीडियो आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको पार्ट जो शूट करेंगे 4 से 5 सेकंड तक वीडियो शूट करना है। तो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम 3x लेफ्ट करेंगे। इसके बाद अगेन वीडियो को प्ले करेंगे, और यहाँ पर हमें 4 से 5 सेकंड तक वीडियो शूट करना है। इसके बाद इसे हम स्पीड 2 प्ले हिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं 5 सेकंड के आसपास में प्ले कर दिया हूँ। इस वीडियो को प्रेस करेंगे और इस वीडियो को हमें लास्ट पॉइंट में लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, सिंपल आपको इनेबल करना है। इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। वीडियो को आपको प्ले करना है, जैसे ही प्ले करेंगे तो जैसे देख सकते हो गर्ल का वीडियो जैसे स्टार्ट होता है, तो यही तक का पार्ट आपको चाहिए स्टार्टिंग में। इसके बाद आप अपने ओरिजिनल वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे, और 3x राइट करेंगे। फाइनली जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड जो ब्लैक दिख रहा है, इसको आपको कहाँ तक रखना है, जहाँ तक इसमें गर्ल दिख रहा है यहीं तक का पार्ट आपको बैकग्राउंड में चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि 7.0 के आसपास। इसके बाद कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, इस बैकग्राउंड को आपको 3x राइट कर देना है। इसके बाद आपका वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से वीडियो, जैसे कि आप यहाँ से डरने की एक्टिंग करते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि लग रहा है कि आप नींद से उठ रहे हैं, इस पोजीशन में आना है, और एक्स्ट्रा पार्ट जो लेफ्ट साइड का उसे हम 3x लेफ्ट करेंगे। इसके बाद आपको राइट साइड में आना है, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी राइट साइड का उसे हम 3x राइट करेंगे। इसके बाद हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो गया लगभग। इसके बाद हम क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो के लिए क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, और इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद डन करते हैं। इसके बाद जो आपका वीडियो जो है उस वीडियो का आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो मैं फटाफट दोनों वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट करता हूँ, और फाइनली मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। जब हम वीडियो को प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपको वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो वीडियो स्टार्टिंग है उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, और नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कर देने हैं, और आपको कुछ इस तरह से इसे जूम करना है। और आपको जब देख भी सकते हैं साइड में आपको कहाँ तक फेस पे आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। इसके बाद डन करना है। इसके बाद जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो आप देखना कुछ इस तरह से लगेगा कि वीडियो जो है आपको जूम हो रहा है, कुछ इस तरह से वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, साउंड इस वीडियो में ऑलरेडी ऐड है, साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।